SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. मैंने प्रेस से इसलिए बात नहीं की कि मैं समझता हूँ कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुप्तार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी है। वज़ीर आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं, जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं करूंगा, मैं आपके सामने कोई और के बारे में कह नहीं सकता। बाकी आपको सब पता है, उमर साहब ने आप बहुत से वहाँ पे प्रेस वालों से भी बात की है और अखबारों में भी है वहाँ से। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ। डॉक्टर साहब, आप यहाँ गए थे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने, लेकिन जो आपने प्रेस में बयान दिए कि आपने मुस्लिम पे बात की, वो जो गुप्तार का स्टैंड था वहाँ, वो आपने इंडिविजुअली अपनी पार्टी को लेकर रखी। सो डू यू थिंक दैट एंड ऑफ द गुप्तार अलायंस, दिस मीटिंग वाज आल्सो द एंड ऑफ गुप्तार अलायंस एंड प्लस Why should the meeting be end of the alliance? And plus the acceptance of why should it be the end of the alliance? Why? हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुप्तार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुप्तार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुप्तार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के तो गुप्तार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वजीर आजम से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त, मतलब हम में से जो गुप्तार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले की का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वजीर आजम साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अब मतलब हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया,
और वजीर आजम साहब ने सुना, और क्या चाहते हैं आप? Umar Saab, do we see the 70% of what Home Minister said in his press conference was about delimitation commission, and he insisted that this process should start. So after the meeting, do you think that now the it is clear that as you participated in a meeting in Delhi, you will participate in the process of the delimitation commission? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the national conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the national conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? Why should we tell you here? We'll tell the delimitation commission. No, he has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. Sir, this tarah se Amit Shah ka statement aaya ya ki kya hai ya Modi Saab ka tweet aaya ye kya baat to usme election se shuru din se sequence ke hisab se hi तो क्या आपको तस्लीम है? हमने ये बात आज मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वजीर आजम साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डीलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डीलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। थैंक यू सर। उमर साहब, योर पार्टी मेंबर हसनैन मसूदी साहब हैज सेड दैट इवन इफ द 370 इज सब जूडिस दैट डजंट मीन दैट वी विल नॉट फाइट फॉर इट आउटसाइड इवन for the Supreme Court politically as well. But you have said that you don't want to go... We have not said. Aap kyun? Humne kab kaha? Na humne sub judice alfaz ka istemal kiya. Humne kaha na that we will fight it for it politically, constitutionally and legally. Sub judice, unfortunately, words were used only by two people. Ghulam Nabi Azad sahab used the term that it is sub judice and he doesn't want to talk about it. And Muzaffar Beg sahab said, it is sub judice and you can't talk about it. I do not believe that just because it is... it is in front of the Supreme Court that it is not a subject for discussion. Of course it is a subject for discussion. It is a subject for discussion. We discuss it. It was a subject in our DDC polls. We will continue to agitate the matter. I keep making this point. Legally, constitutionally and peacefully. That is our right and we will exercise that right. And personally, if the Article 370 was not restored, you won't fight the election? मैं पर्सनली थोड़ी ना यहाँ बैठा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से बैठा हूँ। मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है, मेरा फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा वो अपनी जगह। अब आपको उससे क्या लेना देना? मैंने आपसे कहा ना फिलहाल मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। अच्छा साहब, योर वन ऑफ द मेंबर्स इज मेहदी साहब इज वेरी एंग्री विद द पार्टी। हैव यू कंसल्टेड हिम और टॉक्ड अबाउट हिम और यू वांट ही इज ऑलमोस्ट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इंडिविजुअल्स हियर। थैंक यू सर। इफ देयर इज समथिंग दैट इज बिटवीन अस। Muzaffar Beg was a member of the Gupkar Alliance. Now he is not. In fact, he very openly said in the meeting with the Prime Minister that he has no political allegiance and that he doesn't belong to any political party. Azad Saab belongs to the Congress Party. They have their own view. But their view is not binding on us and it's not binding on the Gupkar Alliance. Just because the matter is in front of the Supreme Court, so many matters are in front of the Supreme Court. Does that mean we stop talking about them? For the longest time, Babri Masjid demolition was in front of the Supreme Court. Did the BJP stop talking about it? They continue to press their agenda on Ram Temple. And therefore, even if the matter is sub judice or in front of the Supreme Court, that does not stop us from stating our point of view, and we will continue to do that. Last one. Supreme Court में सारा है, क्योंकि आप जो जम्मू कश्मीर लॉ की बात कर रहे हैं, वो आपने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो all these things, election, statehood and duty, follow और after that, वो उसी के दायरे में तमाम आते हैं। वो तो वैसे तो बहुत कुछ करेंगे और उसको कबूल नहीं करेंगे।
मुझे बताइए ना, यहाँ के लोगों से आप बात करिए, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें ये कहती है कि ना जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अस्पताल का कामकाज रुक जाए, अगर कोई डीसी किसी आम कश्मीरी को गिरफ्तार करे, सिर्फ ये उसकी उसकी खता थी कि उसने कहा कि मैं लोकल अफसर से बात कर सकता हूँ, बाहर वाले मुझे समझते नहीं हैं, और उसके लिए जेल भरा गया उसको। जो सख्ती हो रही है, जो बार बार यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब हो रहा है, यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक अनचेक्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये पसंद करते हैं और कहते हैं ना हमें ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम हाथ ऊपर कर लेंगे ना। लेकिन अगर यहाँ के लोग राहत की सांस चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि फील्ड में अफसर वो हो जो उनकी बात कर सके, जो उनकी बात सुन सके, समझ सके, जो उनके बच्चों की तालीम की उनकी फिक्र हो, उनके सेहत की फिक्र हो, तो फिर मुझे लगता है कि गाड़ी दोनों पटरी पे चल सकती है, वो लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों को थोड़ी बहुत मुसीबत से निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए ना। The first Prime Minister of India promised us plebiscite. But went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we've asked for autonomy. He promised us on the floor of the house. Where is it? Thank you. So I said frankly,